हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे एमपीपीएससी रीजनिंग के लिए शॉर्टकट ट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए 18 मजदूर एक खाई को 54 दिन में खोदते हैं, तो 27 मजदूर उस खाई को कितने दिन में खोदेंगे, उस खाई को कितने दिन में खोदेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक सेकेंड सवाल हल होगा। देखिए दोस्तों, देखिए यहां तो मजदूर और दिन, अब मजदूर कितने 18, तो कितने दिन में खोदते हैं 54 दिन में, फिर मजदूर कितने हो गए 27 और कितने दिन में खोदेंगे, मानना कि x दिन में खोदेंगे। अब ये देखना है दोस्तों कि देखना है कि 18 मजदूर कितने दिन में खोदेंगे। अब मजदूर 18 से 27 हो गए, मजदूर बढ़ गए, जब मजदूर बढ़ जाते हैं तो स्वाभाविक है काम कम दिन में पूरा हो जाएगा, कम दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ बढ़ रहा तो एक तरफ घटेगा, एक तरफ बढ़ रहा इधर बढ़ा तो इधर घटा, जब एक तरफ बढ़ता है एक तरफ घटता है तो कौन सा अनुक्रमानुपाती, कौन सा विचरण होता है दोस्तों, व्युत क्रमानुपाती विचरण, व्युत क्रमानुपाती विचरण होता है, ठीक है दोस्तों, व्युत क्रमानुपाती विचरण होता है। और व्युत क्रमानुपाती विचरण में कैसे हल करते हैं दोस्तों, 18/27 और x बटे 54, बस 18/27 बराबर x बटे 54। अब क्रॉस गुणा कर ले, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो x बराबर इन दोनों का गुणा 18 × 54 बटा x के गुणा 27, तो 27 नीचे आ गया, 27 × 54 और 18 × 36, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है कि जब एक तरफ बढ़े और एक तरफ घटे तब कौन सा विचरण होगा, व्युत क्रमानुपाती विचरण होगा। और इसको कैसे हल करते, 18/27 और यहां से ऐसे आना, यहां से इसके बटे और फिर यहां के इसके बटे, ये ध्यान रखना, बस अनुक्रमानुपाती होता सीधा होता है। अगले वीडियो में आपको अनुक्रमानुपाती विचरण बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।